पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि जो भाजपा से डरा हुआ कांग्रेस ही है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जारी किए गए बयान का हवाला देते हुए कहा, दरअसल वो आज कांग्रेस की संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों द्वारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पूछे गए सवाल का राशिद अल्वी जवाब दे रहे थे। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए संकल्प को बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान से भारत सरकार को बात करने पर जब सवाल किया गया तो वो बोले कि पूर्व में भी सरकार बनाते समय पाकिस्तान की सरकार से बात की जा चुकी है और जो बयान फारूख अब्दुल्ला दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मोदी की सहमति है। दस से ज्यादा विधायक आपके मौजूद नहीं है यूपी में वर्तमान में, आप 200 के ऊपर की बात कर रहे हैं वर्तमान, ऐसा क्या ऐसी जादू खड़ी कहाँ है कांग्रेस के पास, क्या चीज है? भारतीय जनता पार्टी के पास आपको याद होगा कि 2 MP थे, आज उनकी अकेले सरकार, लोकतंत्र के अंदर MLAs और MPs की गिनती नहीं होती है, लोकतंत्र में जनता फैसला करती है और जनता आज ही जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैं एक बात कहूँ आपसे, पहले तो मैं ये कहूँ कि हम आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर एक सवाल किया है तो उसका सिर्फ इतना मैं जवाब दे सकता हूँ। अमरिंदर सिंह जी ने ये भी कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करेंगे। राहुल गांधी का वो बयान मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस में जो आदमी बीजेपी से नहीं लड़ सकता वो कांग्रेस से जा सकता है, जैसे ही मौका मिलेगा हमारे पास लोकसभा में अक्सरियत होगी हम उसको पास करेंगे। तो महिलाओं के साथ कांग्रेस का कमिटमेंट पहले से है, आज कोई नया नहीं, मेरे ख्याल से बहुत काफी हो गया जी। आपके सपोर्टर है जम्मू कश्मीर में वो जो है लगातार भारत को पाकिस्तान से माफी मांगने और मतलब जो है समझौते वाली बात करने के लिए, आपका क्या कहना है? ऐसा है, जब कश्मीर के अंदर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्ती सईद साहब से समझौता किया तो मुफ्ती सईद साहब का पहला बयान मुख्यमंत्री बनने के बाद था कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने कश्मीर में चुनाव होने दिया। मेरा कहना है कि ये बयान बगैर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, उनका समझौता था, अगर उनकी मर्जी के बिना होता तो सरकार क्यों नहीं तोड़ी। वो बयान उन्होंने दिलाया था उस वक्त के मुख्यमंत्री मुफ्ती साहब। नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी अलहदा है, हमारी अलहदा है, उनके जो बयान आते हैं वो सवाल उनसे पूछे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।